पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। तीन जिलों के कोरोना पॉजिटिव गंभीर मरीज अब ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बीना रिफाइनरी द्वारा तैयार 1000 बेड का अस्थायी कोविड सेंटर जल्द बनकर तैयार होने जा रहा है। जिसमें ऑक्सीजन प्लांट से पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा होगी। सागर जिले के बीना रिफाइनरी के पास चक गांव में यह कोविड सेंटर बनकर तैयार हो रहा है। इसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना में आकर किया है। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया है। यह कोविड सेंटर सागर जिला, अशोकनगर और विदिशा जिले के कोविड के गंभीर मरीजों का इलाज करेगा। हम आपको बता दें कि एक आईसीयू में भर्ती कोविड मरीज को प्रतिदिन 30 से 50 लीटर ऑक्सीजन की खपत होती है। इस मात्रा में लगातार मरीज को ऑक्सीजन मिलती रहे तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन सागर में ऐसा नहीं हो रहा। सागर में लगातार ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन यह नया जो कोविड सेंटर बनेगा इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इसलिए गंभीर मरीज को जिंदगी मिले इसमें ज्यादा संभावना इस सेंटर में दिख रही है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोविड सेंटर होगा। कुछ निजी हॉस्पिटलों में लूटमार मची है। मजबूर बेबस लोग अपने बीमार आदमी के इलाज के लिए जमीन जायदाद बेचकर उसका इलाज करवा रहे हैं, फिर भी उन्हें अपनों की लाशें ही मिल रही है। पहली बार सरकार ने कोई अच्छा काम किया है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते, और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। और इसलिए कोरोना के पीड़ित भाई और बहन, कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बीना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। चूँकि कई टेक्निकल दिक्कत थी इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसकी टेक्निकल टीम आ जाए तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा, जिसकी सराहना हो रही है। उम्मीद है यह कोविड सेंटर मक्कारी, बेईमानी और बदमाशी से दूर रहेगा तो यकीन जाने कोरोना के गंभीर मरीजों को मौत नहीं जिंदगी मिलेगी। पुष्पेंद्र राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना।